never mind. हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर प्लेइंग सेटिस्फैक्ट्री। सो फाइनली अपना आ चुके हैं लेके एक और नया एपिसोड, और लास्ट वाले एपिसोड में यार हमने फाइनली वायर बना ली थी और अपना रबर भी बन के तैयार था। ओके, सो रबर वाली अपनी स्टोरेज आ गई थी और आज हमें बनाना था सर्किट बोर्ड। ओके, लेकिन जो हम वर्क कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे कि हम बना रहे हैं क्विक वायर वाली रेसिपी से 30 कंप्यूटर। ओके, लेकिन यार मैंने प्लान में ना थोड़ा सा चेंज किया, और जो हम क्रिस्टल कंप्यूटर हम बनाने वाले हैं, ओके, पहले मैं सोच रहा था वो हम 20 बनाए, लेकिन अब भी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 30-30 बनाए जाए दोनों रेसिपी से कंप्यूटर। ओके, तो अपने पास जो प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, वो वायर वगैरह सब परफेक्ट है अपनी। ओके, बस हमें थोड़ा सा रबड़ और ज़्यादा चाहिए ये रबड़ अपना, बिकॉज अपने को सर्किट बोर्ड बनाने। ओके, पहले हमें सर्किट बोर्ड बनाने थे 200, लेकिन अभी हमें बनाने करीब 320। ओके, सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 325 ही बनाएं, थोड़े एक्स्ट्रा रहेंगे तो सही रहेगा। सो अपने को ओके सारी कैलकुलेशन अपनी रेडी है। ओके, क्योंकि क्विक वायर कंप्यूटर के लिए अलग से रबर चाहिएगा ना, वो करीब यहाँ पे है, जो हमने सेट कर दिया था ये वाला रबर 450 + 120, ओके 570 के आसपास। ओके, एंड बाकी का अपना ऊपर जा रहा है। ओके, आज हमें मतलब कि 300 रबर और एक्स्ट्रा चाहिए अपने को। सो करना क्या अपने को, क्योंकि जो अपनी एक लाइन यहाँ पे आ रही थी ना, उस लाइन से हमने ओनली 7 मशीनें कनेक्ट करके रखी हैं यहाँ तक। ओके, ये पीछे वाली एक लाइन से, और इस लाइन से अगर हम चलाएंगे तो 8 मशीनें और बना सकते हैं हम इस लाइन से। ओके, लेकिन 8 मशीनें यार इनफ नहीं होंगी 300 के लिए, बिकॉज 8 मशीन से ओनली 240 ही बनेगा अपना। सो मैंने एक जो थर्ड लाइन आ रही थी उसको भी कनेक्ट कर लिया है। ओके, सो हम टोटल वहाँ तक फिल कर देंगे मशीनें सारी, 11 या 12 मशीनें बनेंगी अपनी, और बाकी की इस वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो अपना रबर का प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी इश्यू। ओके, सो गाइस फाइनली मैंने सारी मशीनें रेडी कर दी हैं। ओके, और अपना रबर बन के तैयार है, करीब 330, हमें 300 की ज़रूरत थी। ओके, सो अभी हम ये रबर लेके जाने वाले सेकेंड फ्लोर पे। ओके, सो 330 + 120, ओके, मिल के 450 बन सकता है। ओके, सो मैं ये वाली जो लाइन है ना अपनी, इसी लाइन के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ ये वाली लाइन भी, ताकि अपना प्रोडक्ट ऊपर जा सके इजीली। ओके, ओके, लेट्स सी। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, और जो अपनी ये सेकंड वाली लाइन जो हमने यूज़ करी है ना आगे के लिए, बीच में से मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये सेकंड लाइन आ रही है अपनी। ओके, यहाँ तक तो ये लाइन अपनी जा रही है ओनली 3 मशीनों के अंदर ही जा रही है। ओके, सो ये वाली लाइन अपन कहीं और पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज एक मशीन में कितना चाहिए अपने को क्रूड ऑयल, मे बी 30। यस, हम ओनली 90 यूज़ कर रहे हैं इस वाली लाइन से, बाकी अपना पड़ा हुआ है फिर रही। ओके, सो उसका भी इस्तेमाल हम कर लेंगे बाद में। सो फिलहाल तो चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे, और आज हमें बनाना था सर्किट बोर्ड। ओके, सो अपना यहाँ पे आ रहा है करीब 900। ओके, 900 रबर अपने पास आ रहा है, सो एक्स्ट्रा यहाँ पे काफ़ी। ओके, सो कोई इशू नहीं आएगा अपने को। सो अपने को दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, वो है वायर। ओके, और वायर की हमने कल फैक्ट्री बनाई थी रिसेंटली वहाँ पे, और हमने करीब 1800 बनाया था वहाँ पे 12 मिनट, तो अपने को वहाँ से लेके आना 1300। ओके, सो वहाँ से अपने को 1300 लेके आना यहाँ पे, और उसके बाद ही हम फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो मेरे को वायर लेके आनी है। ओके, सो गाइज हमारी 3 लाइनें आ चुकी हैं फाइनली, जो कि लेके आ रही हैं 1350 पर मिनट। ओके, हर एक लाइन अपनी आ रही है 450 की, और अपने को चाहिए ओनली 1300, तो 50 अपने पास एक्स्ट्रा रहेगा, तो डोंट वरी। ओके, सो 3 लाइनें अपने आ रही है, वहाँ से टर्न मार के एकदम स्ट्राइट यहाँ पे, एंड यहाँ से जा रही हैं सीधा आगे। ओके, एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बनाया। ओके, इसके नीचे से लेके जाके एंड फिर सीधा कनेक्ट करके रखा है ऊपर। ओके, एकदम परफेक्ट, इससे परफेक्ट कनेक्ट हो ही नहीं सकता ये। ओके, देखने में भी एकदम मस्त लग रहा है मैनेजमेंट ये वाला। ओके, सो अपने पास फाइनली वायर और रबर पहुंच चुका है,
और अभी अपने को बनाना स्टार्ट करना। ओके सर्किट बोर्ड, या फाइनली अभी सर्किट बोर्ड बना देंगे। ओके सो अपने को सर्किट बोर्ड बनाने के लिए कम से कम 22 असम्बलर चाहिए होंगे। ओके सो मैं करता क्या हूँ कि 22 असम्बलर बनाता हूँ इस वाले फ्लोर पे, देखते कितने बनते हैं एंड देन आपको मिलता हूँ। ओके ओके सो गाइज अपने 22 असम्बलर बन गए रेडी। ओके सो जहाँ पे हमने 22 असम्बलर बना दिए और काफ़ी सारा स्पेस रखा हुआ बीच में, ओके ताकि अपना पूरा फ्लोर पे 22 असम्बलर सेट बैठ जाए। ओके वैसे अपने को 22 चाहिए। ओके और हमने पूरा स्पेस देके बैठा दिया, बिकॉज दोनों साइड दो तीन ये स्टैक्स बच गए हैं। ओके प्रॉप्स, ताकि थोड़ी जगह रह जाए मैनेज करने के लिए, क्योंकि अपनी पास काफ़ी सारी बेल्ट हैं, इनको मैनेज भी करना है ना अभी अपने को इसीलिए। ओके सो अभी मैं फटाफट इनको कनेक्ट करता हूँ, देन आपको मिलता हूँ। ओके सो गाइज मैंने फाइनली कर दिए कुछ कनेक्शंस। ओके सो थोड़े से यार ट्रिकी है यार इसके कनेक्शन करने। ओके बड़ा ही कैलकुलेट करना पड़ रहा है, बिकॉज अपनी दो लाइन रबर की है प्लस तीन लाइन अपनी वायर की आ रही है जो। ओके और इन सबको इसमें मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ओके सो फिलहाल तो मैंने करा क्या है कि जो आउटपुट है ना वो एकदम कनेक्ट कर दिया आगे तक स्टोरेज के पास तक, एंड अपोजिट साइड से भी मैंने यही करा है। ओके बिकॉज आउटपुट हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि टोटल अपना जो बनेगा ना वो अपना 325 के आसपास बनेगा मे बी। ओके सो उस तरफ के कुछ कनेक्शन बचे हुए हैं, सो वो हम कर देंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ये नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं रबर के लिए। ओके ये वाली लाइन के लिए। ओके सो मैं ये लाइन को ले आता हूँ एंड एक्सप्लेन करते हैं फिर स्टार्ट। ओके सो वो लाइन मेरे को लेके आनी इधर एट लीस्ट। ओके लेट्स सी। ओके सो फाइनली अपनी रबर वाली लाइन कनेक्ट हो चुकी है। ओके सो यहाँ से अपना रबर जाना स्टार्ट हो गया। ओके सो अपनी कैलकुलेशन ये थी कि एक मशीन को चलने के लिए ना 40 रबर पर मिनट चाहिए। ओके सो अपनी एक लाइन लेके जा सकती है 450। ओके सो हमने क्या किया है कि 11 मशीनों में यूज़ करा है, क्योंकि अगर हम 40 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 होएगा। ओके और 10 अपना बच जाएगा, वो एक्स्ट्रा रहेगा। ओके सो उसका कोई इश्यू नहीं है। और अगर हम 12 में इसको कनेक्ट कर देंगे ना तो फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर कंप्लीट नहीं पहुंच पाएगा, वो 480 हो जाएगा और अपने को सिर्फ 450 से नीचे ही रखनी कैलकुलेशन। ओके तो अपनी 11 मशीन इस वाली लाइन से हो जाएंगी एंड 11 मशीन ने अपनी सेकंड वाली लाइन से। ओके ये वाली 11 3 to 5, ये 10 मशीन ही हो गई एंड एक ही वाली 11। ओके और इसका कनेक्शन हमने यहाँ से करा इस साइड से, क्योंकि यार इस स्टोरेज का मुँह इधर था और फिर अपने को यहाँ से लेके जानी पड़ती हवा से ये लाइन। ओके क्योंकि हवा से तो यार बहुत सारी लाइनें हो ही जाएंगी अपनी, क्योंकि अभी हमें वायर लेके जानी है। ओके सो इस वाली लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। ओके और यहाँ से भी अपना रबर जाना हो चुका है स्टार्ट। ओके बस अब जल्दी जल्दी ये वाला रबर भी अपना फिल हो जाएगा। ओके सो रबर का मैनेजमेंट अपना एकदम परफेक्ट हुआ है। ओके नो इश्यू, लेकिन अभी हमें सोचना है यार वायर के लिए। ओके सो मैं करता क्या हूँ कि पहले कैलकुलेट करके और कनेक्शन बना लेता हूँ इनके और उनको कनेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद मिलते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हमने करा क्या है। ओके लेट्स सी। हेलो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। और हमने फाइनली यार पूरा मैनेजमेंट करके, बहुत ही टाइम लगा मैनेजमेंट करने में, और हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया कि कितना और क्या क्या लेके जाना है अपने को। ओके सो अपना कैलकुलेशन ये है। ओके सो बड़ा ही बहुत कुछ बन गया यार इसके अंदर कैलकुलेट करते हुए। ठीक है सो अपन लेके जाएंगे यहाँ से तीन लाइनें। ओके 450 की अपने पास तीन लाइनें। ओके
सो अपने पास तीन पोर्ट है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। ओके सो एक लाइन जो अपनी मिडिल में जा रही है, ओके वो इसी स्प्लिटर से स्प्लिट होके दोनों साइड चली जाएगी। ओके और फिर ना इसके नीचे से इतना रास्ता बच रहा है कि ये बिना ग्लिच किए हुए और इसके नीचे से निकल सकती है आराम से। ओके दोनों तरफ से, तो जो अपनी बाकी की दो लाइनें थी वो हम इनके नीचे से निकाल के लेके गए। ओके और अपनी 1450 लेके आ रही है ना, तो अपने को 7 मशीनें चाहिए। ओके जिनमें अपना लगेगा टोटल 420। ओके सो अपनी मशीनें हैं टोटल यहाँ तक 2, 4 और 6। ओके ये वाली 6 मशीनें हो गई और एक ये वाली मशीन, 7 मशीन हो गई। ओके तो इन 7 मशीनों में अपना लग जाएगा 420। ओके अब भी हमें चाहिए कितना, इस वाली मशीन के लिए भी चाहिए अपने को। ओके यानी कि इस वाली मशीन में अपने को चाहिए 60। ओके सो अपना कैलकुलेशन ये है कि अपने पास 22 मशीनें हैं। ओके और अपने को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, यानी कि हमने जो 30 बचा हुआ है ना हमारा 450 में से इस वाली लाइन में। ओके क्योंकि 420 तो अपने यूज हो चुका है और अपना बचा हुआ है 30। ओके सो हमें करना है क्या है कि 30 इस वाली लाइन का इस वाली मशीन में जाना चाहिए। ओके और यहाँ से जो अपनी सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है 450 वाली जो हम नीचे से लेके आ रहे थे, ओके वो भी सेम ऐसा ही है, उसके लिए भी 7 मशीनें चाहिए। तो उसका कैसे क्या है कि ये वाली मशीन और एक ये वाली। ओके ये अपनी हो गई 2 मशीन है, दो यहाँ से 4 और यहाँ पे 6 मशीनें हो गई यहाँ पे टोटल, एंड एक ये 7 मशीन। ओके सो अपना जो वायर है ना वो यहाँ पे भी 30 बच जाता है फिर अपना। ओके सो यहाँ तक 420 यूज हो गया, अभी अपना बच गया 30। ओके सो इस वाली लाइन का और पहले वाली लाइन का, इस वाली लाइन में से अपना 30 बचा हुआ है और इस वाली लाइन में से अपना 30 बचा हुआ। ओके तो ये टोटल 60 अपने को लेके जाना है इस वाली मशीन में। ओके सो उसके लिए हमने ये सारा सेटअप करा है ये स्प्लिट करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मशीनें बन गई है अपनी। ओके स्प्लिटर वगैरह मर्जर वगैरह, ओके वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट के लिए अपनी पास बचती हैं 7 मशीनें। ओके सो अपनी 7 मशीनों में थर्ड वाली लाइन से जो इधर की साइड से आ रही है 450 वो चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल यूज होएगा अपना 420, तो 30 यहाँ पे बच जाएगा। ओके लेकिन पीछे वाली मशीनों में नहीं बचेगा एक भी। ओके और अगर हम ये मैनेजमेंट ना करते तो फिर ये हमें कम पड़ता। ओके ये तो हमें करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ भी करके। ओके सो इसका मैनेजमेंट मैंने किया कैसे। ओके सो अपना यहाँ से जो आ रहा था ना, यहाँ से बच के 30 इसके अंदर जाएगा अपना। ओके यहाँ से अपना 30 चला जाएगा इसके अंदर। ओके सो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले लाइन की भी स्पीड कम कर देता हूँ थोड़ी। ओके सो 30 जो अपना बचेगा वो जाएगा इस लाइन के अंदर। ओके एंड जो इधर की साइड से हमें 30 लेके आना है, वो हम कैसे लेके आएंगे कि जो ये वाली मशीन है ना इसको चलने के लिए कितना चाहिए, 60 पर मिनट चाहिए। ओके इस वाली मशीन को चलने के लिए 60 पर मिनट चाहिए। ओके 60 पर मिनट चाहिए इस वाली मशीन को चलने के लिए। ओके सो हमने क्या किया है कि जो ये वाली मशीन थी ना इधर जाने के लिए, उसकी जो कन्वेयर बेल्ट है जो, वो मैंने करी है 120 वाली। ओके ताकि वो 120 रिसोर्स लेके जा सके। ओके एंड बीच में मैंने डाल दिया कि मर्जर नहीं सॉरी स्प्लेटर। ओके तो स्प्लेटर क्या करेगा, 120 को 60-60 कर देगा। ओके सो 60 हमारा चला गया अभी इधर की साइड। ओके और फिर आगे हमने क्या किया कि जो इधर 60 जा रहा भाई, हमें आगे 60 तो चाहिए नहीं वहाँ पे क्योंकि 30 चाहिए, तो हमने क्या किया कि एक स्प्लिटर और डाल दिया बीच में ताकि ये फिर से 60 को स्प्लिट कर दे 30-30 में। ओके सो अभी ज़रूरत के हिसाब से अपना 30 चले जा रहा है इस साइड में और अपना 30 इस साइड में चले जा रहा है। ओके अब ये वाली लाइन जा रही है अपनी वापस ऊपर से होते हुए, और हमने आगे एक लाइन में वापस से एक मर्जर डाल दिया और उसको वापस से ला के कनेक्ट कर दिया ताकि वापस से 30 इस वाली लाइन में आ जाए। ओके सो ये इसका वो था ट्रिक ठीक करने का। ओके अभी नेक्स्ट अपना समस्या, मतलब कि जैसे आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे 120 क्यों बनाया तूने, ओके यहाँ पे 60 वाला बना देता। ओके तो अगर हम 60 को स्प्लिट करते ना तो 30-30 तो हो जाता, लेकिन फिर ये वाली मशीन की पूर्ति नहीं हो पाती, ये वाली मशीन में सिर्फ 30 जाता, फिर 30 इस वाली मशीन में कमी रह जाती। सो वो कमी पूरा करने के लिए यहाँ पे 120 करना ज़रूरी था ताकि यहाँ से स्प्लिट हो सके। ओके क्योंकि 120 में से अगर 60 स्प्लिट हो रहा है ना तो एटलीस्ट आगे 60 जा रहा, और ये 60 में ये मशीन कंप्लीट चल जाएगी अपनी विदाउट एनी इश्यू। ओके और फिर हमने वापस से 60 को स्प्लिट कर दिया ताकि 30 अपना आगे चला जाए और 30 वापस लाइन में चला जाए, तो वो घूम के वहाँ से और वापस यहाँ से लाइन में आ रहा है। ओके
ये थोड़ा सा ही बड़ा ही दिमाग घुमाने वाला अपना कैलकुलेशन था जो कि हमने फाइनली कनेक्ट कर दिया है। ओके अभी लास्ट अपना बचा है पावर कनेक्ट करना। ओके अभी हम करते हैं पावर कनेक्ट। एंड मैं पहले क्या करता हूँ क्योंकि पहले पावर पोल्स बना लेता हूँ और अपने कुछ यहाँ पे बचे हुए थे अपने पॉइंट। ओके इनको भी कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि अपना आउटपुट यहाँ से निकल सके। मैं करता क्योंकि फटाफट इनको कनेक्ट करके और आप लोगों को मिलता हूँ। ओके नहीं 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 उसके बाद हम वायर कनेक्ट करेंगे। ओके और अपनी मशीनों को स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपना पावर रेडी रहेगा ना तो अपनी मशीनें स्टार्ट हो जाएंगी और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं हम उनको। क्या लगता है पावर पोल बनना ही देता हूँ मैं फिर है बिना वीडियो को स्किप करे हुए। क्या लगता थोड़ा यार ये भी होना चाहिए। ओके क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ स्किप ही कर रहा हूँ। ये वाला मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे पावर पोल्स वगैरह बनाए हैं मैंने। ओके फटाफट चलते वापस एंड वहाँ से हम पावर पोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके और पावर पोल बनाने के बाद यार हमें रेसिपी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके टू हार्ड यार। ओके लेट्स सी। वैसे अपने को ना पावर के लिए यार थोड़ा सोचना पड़ेगा यार पावर पोल के लिए हम लेके कहाँ से आए। ओके यहाँ से हम पावर पोल बनाना स्टार्ट करते हैं और पीछे की साइड से मशीन को कनेक्ट करते हैं। ओके क्योंकि बीच में काफ़ी सारे कनेक्शन है अपने और वहाँ पे बिल्कुल फिक्स नहीं बैठ पाएगा अपना सारे कनेक्शन। ओके वहाँ तक मशीन स्टार्ट हो चुकी हैं एंड नेक्स्ट ये दो मशीनें। ओके ये काम थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। ओके टू इजी पोल्स कनेक्ट करना तो आसान है यार एकदम। लेट्स गो लेट्स गो। मे बी एक और पोल लगेगा इसके बाद में। अरे यार चढ़ जाए यार इसके ऊपर। अरे अरे क्या हो रहा है। ओके अपने सारे पावर पोल कनेक्ट हो चुके हैं या फाइनली। और अब भी मेरे को फटाफट ना रेसिपी सेलेक्ट करनी पड़ेगी सभी के अंदर। इसके अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और रबर आना फिल हो रहा है या मे बी या सभी के अंदर रबर फिल हो जाएगा जल्दी। ओके लेट्स गो नेक्स्ट। ओके जैसे जैसे हम सेलेक्ट करते जाएंगे ना अपना एटलीस्ट रबर अपना फिल होता जाएगा सभी के अंदर। इसके अंदर हमने सेलेक्ट करके रखी है इसके अंदर भी सिलेक्ट करके रखी हुई है इसके अंदर सेलेक्ट करनी है अपने को। ओके अल्टरनेट वाली रेसिपी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे ना ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बनेगा। नॉर्मल वाली से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रोडक्ट लाने की बनता कम उससे। उसका मैनेजमेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता ज़्यादा मशीनें बनानी पड़ती है अपने को। ओके अल्टरनेट रेसिपी अपने पास जितनी ज़्यादा होंगी ना उतना ही फ़ायदा होगा अपने को। उतना ही इजी हो जाएगा थोड़ा। वैसे भी यार ये भी बहुत ही मुश्किल है बट फिर भी उससे तो इजी हो जाएगा। ओके अपनी लाइनें तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं रबर वाली नाइस। वंस एक बार इनके अंदर तक फिल भी हो जाएगा वो एटलीस्ट सही है। इसके अंदर फिल है। ओके ये भी सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ओके लास्ट है। ओके यस ओके सारी मशीनें अपनी रेसिपी के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। ओके और यस जो अपने नीचे वाली लाइनें थी ना
मशीनें वो सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, रबर बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। ओके सो अभी अपने को करना है क्या है कि कनेक्ट करना है लाइन। ओके सबसे पहले हम करते हैं मिड वाली लाइन। ओके सो इनको घुमा के मैं लेके आता हूँ थोड़ा इधर, ताकि थोड़ा ठीक लगे देखने में भी एटलीस्ट। ओके मे बी यहाँ पे। ओके यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यप ओके परफेक्ट है। एंड अपनी थी नेक्स्ट वाली सेकेंड। ओके ओके सो सेकंड वाली अपने कनेक्ट करनी है। यह लेट्स गो। ओके सो ये वायर अपनी जाना स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। यप ओके और अपना प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, जैसे 60 इसके अंदर चली जाएंगी। ओके 60 फिल होने का वेट करते हैं। ओके 60 परमिट चाहिए अपने को। ओके 24 चाहिए वैसे तो स्टार्ट होने के लिए तो। ओके सो जल्दी प्रोडक्ट ना बनने वाला है। मे बी 60% हो गया या नाइस 70। ओके 7.5 जो परमिनट अपना यहाँ से मिल जाएगा अपने को। ओके सो 3 एक साथ बनेंगे अपने। या फाइनली 3 सर्किट बोर्ड बन के निकल चुके हैं। एंड सेम दूसरी साइड भी ऐसा ही हुआ दूसरी वाली मशीन से। ओके सो अभी बनना अपना प्रोडक्ट स्टार्ट या फाइनली। और या लेट्स गो बाकी मशीनों को कनेक्ट करते हैं। सो ये वाली ऑलरेडी हमने फिट करके रखी है। ओके अभी अपने को करनी थर्ड वाली। ओए नहीं नहीं ज़्यादा राउंड लग गया यार इसमें तो, सही कनेक्ट नहीं हुआ ये वाला लाइन अपना। ये थोड़ा पीछे रखना था अपने को यार। ओके यहाँ पे सेव सेव किक सेव जल्दी। मे बी अभी ठीक है वो। या अभी एकदम परफेक्ट। ओके सो देख रहे यहाँ से नेक्स्ट लेवल सीन लग रहा है भाई साहब। यहाँ से लाइन है देखो हम जबरदस्त सारी प्रोडक्शन अपना स्टार्ट हो गया होगा। पीछे वाली मशीनें सब स्टार्ट हो चुकी हैं तो फाइनली। ओके रबर वाली भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके जबरदस्त स्पीड है यार इनके तो। ओके सो अपना फाइनली आज 325 के आसपास अपना हो गया प्रोडक्शन स्टार्ट। 325 से ज़्यादा ही हुआ होगा, 325 से ज़्यादा ही। ओके सो सर्किट बोर्ड या सर्किट बोर्ड की लाइन लग चुकी है भाई सब आगे। और एक बार इन सबको फिल हो जाने देते हैं। ओके वैसे मैं भी स्टोरेज से भी हम कनेक्ट करने वाले हैं। ओके सो अपना लास्ट पॉइंट था ये वाला। ओके 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 कि यहाँ पे सब कुछ वर्क ठीक कर रहा है मे बी। ओके सो यहाँ से आगे 60 आ रहा था ना। ओके लेट्स सी। ओके सो धीरे धीरे एक बारी फिल हो जाएंगे ना तो एकदम सही चलेंगे मशीन। वैसे हाफ ही आएगा मे बी आगे। आगे आके अपना बसता था 90। ओके लेट्स सी थोड़ा तो प्रॉब्लम रहेगा ही बिकॉज जहाँ तक अपना यूज हो जाएगा वो। ओके क्योंकि हाफ हाफ आएगा आगे भी बट नो इश्यू। ओके डोंट वरी। सो ये वाला तो अपना सिस्टम एकदम सही वर्क कर रहा है। ओके और मे बी यहाँ पे ये मशीन फिल भी हो चुकी होगी या नाइस यहाँ पे फिल हो रहा है बढ़िया। ओके 120 आ रहा है वहाँ से, 60-60 जा रहा है दोनों के अंदर। एंड यहाँ से फिर 30-30 हो गया वो, 30 यहाँ पे जा रहा है। ओके नाइस तो 30 यहाँ से जाएगा ना तो वो आगे से 30 आएगा। ओके नाइस सो वो मैनेज कर लेंगे आपस में। और यहाँ से ये वापस जा रहा है अपना। या ग्रेट ओके
अभी तो मतलब कि ये मशीनें ना जब तक फिल नहीं होंगी, क्योंकि जब तक कि ये सब कुछ ना भर नहीं जाता, ये सर्किट बोर्ड बन के और मशीनों के अंदर भी स्टोर नहीं हो जाता, क्योंकि अपन ने भाई करा इतना एकदम परफेक्ट है कैलकुलेशन, क्योंकि एक भी ज़्यादा प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हमने अच्छे से नहीं करा है, जबकि ये वाली थोड़ी जल्दी फिल हो जाएंगी मे भी, मेरे को ऐसा लग रहा। वायर और इतनी कम वायर क्यों आ रही है आगे? वैसे तो आगे से 450 ही आ रही हैं, और प्रोडक्ट अपना बन रहा है ना, इसीलिए वो थोड़ा आगे आ नहीं पा रहा है। वैसे अगर हम चाहें ना तो 60-60 वाली स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ पे इन मशीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं 60-60 में, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ये लेंगे नहीं। ओके, मैं तो यही सोच रहा था यार, क्यों ना इनको वो कर देते हैं, रिप्लेस मार देते हैं 60 में। ओके, तो ये 60 लेंगी आगे की तरफ, या फिर ये भी ठीक है यार, फटाफट आ जाएगा अपना प्रोडक्ट। या नाइस, नो इश्यू। ओके, सो ये लाइन अपनी उधर से घूम के आ रही है, एंड देन यहाँ पे पहुँच चुका है अपना। ओके, सो लेट्स गो, फिर करते हैं इसको भी कनेक्ट अंदर, इसके चलते हैं स्टोरेज के अंदर। अपन तो नहीं चलेंगे, प्रोडक्ट को तो लेके जाते हैं। या नाइस, अपना प्रोडक्ट बन चुका है फाइनली, और मैं तो यहाँ पे स्टोरेज बना रहा हूँ 3-4, ताकि मशीनें अपने कंटिन्यू चलते रहें और अपने पास थोड़ा प्रोडक्ट आ जाए, ताकि कोई इश्यू ना हो अपने को। ओके, प्रोडक्ट का तो एटलीस्ट सर्किट बोर्ड का तो इश्यू ना आएगा, और मे बी। चलो यार, 3 इनफ है, 3 स्टोरेज इनफ है। ओके, ओके चलो यार, अपना सर्किट बोर्ड अपना फाइनली कंप्लीट हो गया। और कंप्यूटर बनाने के लिए अपने को चाहिए था रबर, चाहिए था सर्किट बोर्ड, चाहिए था एंड क्यूब वायर। ओके, सो तीनों हमने बना लिए हैं, तो अभी वेट है बस नेक्स्ट वाले एपिसोड का, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में यार अपना कंप्यूटर बनना स्टार्ट है। फाइनली हम ज़बरदस्त वाला फैक्ट्री जो हम बना रहे हैं कंप्यूटर बनाने के लिए, भाई साहब कितनी सारी मशीनें चाहिए हैं यार कंप्यूटर बनाने के लिए, देख रहे हो ना, इतनी सारी मशीनें चाहिए अपने कंप्यूटर बनाने के लिए, सिर्फ 30 कंप्यूटर बनाने के लिए इतने सारा वो चाहिए अपने को। और जल्दी हम बनाएंगे 60। ओके, डोंट वरी, दोनों रेसिपी के इस्तेमाल करके। ओके, लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, एंड बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय। एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये तो मैं बताना भूल ही गया था, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट प्लीज़, एंड सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।